अहमदाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर पुलिस स्टेशन कलेरी के इलाका सेंट पॉल क्रिश्चियन कॉलोनी बकरा मंडी पाकिस्तानी चौक डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में 45 साल बाबर नामी दरिंदा सिर्फ जानी शख्स ने अपने घर में कराया दान। नदीम मसीह की 9 साल मासूम बेटी अलीशा को अकेले पाकर अपनी हवस का निशाना बना डाला और जबरदस्ती जिना करता रहा। बाद बच्ची की हालत ज्यादा खराब होने पर करीबी अहले इलाका की मदाखलत पर मकामी पुलिस स्टेशन में रब्ता किया गया। खबर की इत्तला मिलते ही नायब सदर पीपीपी मिनोरिटी विंग डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद मकबूल सादिक खोकर के कारकुनान मलिक असलम फराज और दीगर साथियों के हमरा फौरी मुतासरा खानदान की मदद के लिए पहुंच गयी। इस मौका पर इस संगीन जुर्म के मर्तकब दरिंदा को फौरी गिरफ्तार करवा के मुतलका पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा के टीबी इलाज मुआवजे के लिए सिविल अस्पताल हैदराबाद में मासूम बच्ची को दाखिल करवा दिया। ताहम इब्तदाई इत्तला'आत के मुताबिक बच्ची की अभी तक मुकम्मल तौर पर होशो हवास बहाल नहीं हो सके। दिमागी तवाज़ुन बरकरार नहीं हुआ। सिविल अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक बच्ची के जरूरी टेस्ट ले लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई के पुलिस स्टेशन को फ्राहम कर दी जाएगी और बेहतरीन इलाज मुआवजे तमाम जरूरी इकदाम कर दिए गए हैं। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनोरिटी विंग डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद नायब सदर मकबूल सादिक खोकर ने कहा है, इलाज मुआवजे में किसी भी किस्म कोताही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुतासर खानदान के साथ मुकम्मल तआवुन किया जाएगा और इंसाफ के लिए तमाम तर वसाइल ब्रोकर लाए जाएंगे।